हमारी पास में 22,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2,500 दीदियां जुड़ चुकी है और बात करें तो लगभग 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को CIF और RF के रूप में लगभग करोड़ों रुपए दे चुके हैं। तो आज हम इस स्थिति में है कि इतना अच्छा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, कुछ PPT के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया था, मैं सर्वेश जी को भेजा था प्रोडक्ट का PPT। BBA MBA और विभिन्न जो भी संकाय के ट्रेंड होते हैं तो उसी तरह सीटियों के लिए भी एक सौगात का विषय है। इसी के साथ में विवेक टीम को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि विगत दिनों में NRLM ने DC साहब, CDO साहब और DM साहब के नेतृत्व में NIFT, जो कि आपको पता ही होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडिया टॉप लार्जेस्ट और टॉप इंस्टीट्यूट है जो फैशन डिजाइन में काम करता है। IIT बॉम्बे के साथ भी हमारा टाइप में हम सोलर जो सोलर वाला प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, उसको कर रहे हैं झांसी के स्केलर के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आप लोगों का सहयोग भी हम लोगों को एक तरह से लोकल लेवल पे मोटिवेट करता है कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम और भी विभिन्न तरह के प्रोग्राम और मैनेजमेंट स्किल और सेल्स के लिए जो प्रोजेक्ट हमारे बना रहे हैं। आपको शायद ये अनुभव ना करते हो कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। भारत सरकार ने 1999 में ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ किया। भारत एक गांव से भरा हुआ देश है। आज भी भारत में करीब 6,000-15,000 गांव रहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आज भी भारत की करीब 50% आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। उनके रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से और कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। तो भारत एक गांव से भरा हुआ देश है, गांव का देश है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि इतनी बड़ी आबादी को अगर हमें अर्थव्यवस्था से जोड़ना है तो हमें सभी लोगों तक ये लाभ पहुंचाना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999 में भारत रोजगार योजना का आरंभ किया। इसी OPOP योजना के अंतर्गत ब्लॉक में गुड़ बनाया जाता है, धामपुर अजयपुर ब्लॉक में पुरुष बनाए जाते हैं, सिहारा ब्लॉक में सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं, हल्द्वार ब्लॉक में आप लोग शहर बनाते हैं, जलीलपुर ब्लॉक में आप लोग जैकेट बनाते हैं, किरतपुर ब्लॉक में आप लोग दोनों बत्तर बनाते हैं, कोतवाली ब्लॉक में आप लोग टेडीबियर बनाते हैं, मोहम्मदपुर देवबंद ब्लॉक में आप लोग रूढ़ा बनाते हैं, नजीबाबाद ब्लॉक में आप लोग अचार बनाते हैं, नहकाल ब्लॉक में हैंडलूम का कपड़ा बनाया जाता है। कितने लोग जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी चलती है, किसका नाम है? रिलायंस। रिलायंस का नाम सुना है कितने लोगों ने सुना? और रिलायंस के मालिक का मुकेश अंबानी कितने लोग जानते हैं? बहुत सुंदर। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी क्या करते थे और पेट्रोल पंप से नौकरी करके उन्होंने जो पैसा जोड़ा, उस पैसे को जोड़कर उन्होंने बहुत छोटी सी एक मशीन लगाई। आप सब लोगों के घरों में सिलाई मशीन आप यूज करते होंगे और सिलाई मशीन में आप एक रील यूज करते हैं, धागा यूज करते हैं जो सिलने के काम आता है। उस रील को मशीन में लगाते हैं, मशीन चला देते हैं और कपड़ा सिल जाता है। वो धागा बनाने की एक छोटी सी मशीन उन्होंने पहले लगाई थी। उस धागा बनाने की मशीन से उन्होंने वो काम शुरू किया और उसी में मेहनत करके जो रिलायंस के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में बड़ी से बड़ी फैक्ट्री की, बड़ी से बड़ी कंपनी की शुरुआत भी एक बड़े छोटे से प्रयास से हुई। तो एक वो पहला कदम आप रख चुके हैं। अब इस पहले कदम से आगे बढ़ो। इसके लिए हम पहले समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसको कहते हैं बिजनेस की, कारोबार की शुरुआत। अब किसी भी कारोबार में कौन कौन से काम होते हैं पहले इसको बहुत छोटे से, बहुत कम लाइनों में इसको समझते हैं। किसी भी कारोबार की शुरुआत होती है
साल से, और दूसरी होती है हमारी विशेष आवश्यकताएं जिन्हें हम कहते हैं इच्छा, वो हमारी इच्छा आ जाती है। मूलभूत आवश्यकता यह है कि मैं दाल चावल खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है, भोजन करना चाहता हूँ, मैं दाल चावल खाना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा यह है कि मैं रेस्टोरेंट में खाना चाहता हूँ, मैं फाइव स्टार होटल में जाकर खाना खाना चाहता हूँ, मैं और कोई बहुत बढ़िया खाना खाना चाहता हूँ। यह मेरी विशेष इच्छा है, मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता दाल चावल से पूरी हो गई। मूलभूत आवश्यकता यह है कि मुझे रहने के लिए एक मकान चाहिए, यह मूलभूत आवश्यकता मेरे लिए। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा मकान पर्याप्त होगा, ये मेरी मूलभूत आवश्यकता। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा एक महल जैसा मकान बनाना है, ये मेरी विशेष इच्छा है। मूलभूत आवश्यकता यह है कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े पहनने जो मार्केट से मुझे मिल जाएंगे। मेरी विशेष इच्छा यह है कि मुझे किसी खास कंपनी के कपड़े चाहिए। ये जो रिव्यू नाम आपको दिया गया है, ये आपको इस लेवल तक ले जाना है। आपका माल इतना अच्छा होना चाहिए, उसका प्रचार आपको इतना करना है, इतने लोगों से मिलकर आपको इस मृदुर ब्रांड का नाम बताना है कि कोई इसे इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन नाम केवल यही याद रहे। तो निर्मल का उदाहरण हमारे लिए उपयोगी है, आप सब इसे याद रखें। मतलब पैसे है हमारा माल, लेकिन उस लेवल का कैसे लेकर के जाए, ये थोड़ा कंफ्यूज है। ये कैसे किया? बहुत सुंदर प्रश्न। क्या नाम है? टोली टोली। नमस्कार। नाम ले जाए ये आप समझिए सर, ये बड़ी अच्छी स्थिति है कि ये विश्वास किसी पर है कि हमारा माल सबसे अच्छा है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है। एक हमारे साथ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो इतना कॉन्फिडेंट रखते हैं कि हमारा माल सबसे अच्छा है। अब प्रश्न ये है कि वो माल जो सबसे अच्छा है वो टॉली चौधरी जी को पता है, वो मुझे पता है, वो सबको कैसे पता चले? वो जब सबको पता चल जाएगा तभी तो सब लोग खरीदेंगे। वो माल भी क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उसका डॉली जी के अलावा किसी को पता ही नहीं कि वो सबसे अच्छा। तो इसके लिए आवश्यकता होती है एडवर्टाइजिंग की, प्रचार करने की। प्रचार करना पड़ता है मार्केट में। तो प्रचार के लिए आगे स्लाइड आएगी, उसमें डिटेल में आपकी का उदाहरण लेंगे और डिटेल में समझाएंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि आप जो अपना माल ले, आपने कहा कि हमारा माल सबसे अच्छा, और उसको लेकर आप जब मार्केट में पहुंचे तो आपने देखा कि मार्केट में दौड़ लगी हुई है। वहां कोई शहद नहीं है, बहुत लोग पड़े हैं। हर आदमी अपना शहद बेच रहा है, हर आदमी कह रहा है कि मेरा शहद लीजिए। तो मार्केट बना हुआ है कंपटीशन। इस कंपटीशन को कैसे जीता जाए? बताइए बताइए बताइए। जो हम किसी का याद कर रहे हैं अगर वो अच्छी लगेगी देखने में तो उनको इसमें जो भागानी वो भाग देंगे। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल जी के ताले बजाइए। शीतल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो माल हम तैयार करते हैं, पहली बात वो माल अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात उस माल की शीशी भी अच्छी होनी चाहिए। केवल माल ही अच्छा नहीं करना, वो माल हमें जिस शीशी में रखना है वो शीशी भी अच्छी दिखनी चाहिए। आपने क्या नाम बताया शहर में सबसे अच्छा नाम? पतंजलि। पतंजलि। तो आप समझिए कि पतंजलि मार्केट में सबसे अच्छा शहर बेच रहा है। तो आपको क्या करना है कि पतंजलि के पीछे पीछे चल देना। आपको हर जगह अपनी तुलना पतंजलि से करनी है। पतंजलि अपना माल कैसे बनाता है, पतंजलि के माल की क्वालिटी क्या है, पतंजलि की शीशी कैसी होती है, उसकी शीशी कैसी दिखती है, हमसे अच्छी दिखती है तो क्यों दिखती है, हमारी शीशी उससे कम अच्छी दिखती है तो कम अच्छी क्यों दिखती है, हम अपनी शीशी को पतंजलि की शीशी से अच्छा कैसे दिखा सकते हैं, एक बार। दूसरी बात, पतंजलि प्रचार करता है तो कैसे करता है, हम पतंजलि से अच्छा प्रचार कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग करके। तो मार्केटिंग तो आप करने के, बाबा रामदेव कहां से लाएंगे? बिल्कुल ठीक, आपने सही बात कही। पतंजलि की बहुत बड़ी शक्ति है बाबा रामदेव। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि मार्केटिंग अच्छी करनी है तो पतंजलि की मार्केटिंग स्वयं बाबा रामदेव करते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो सकती। इसका कि मार्केट में अपने सामान बेचने के लिए हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। आप जो बनाते हैं, आप अपना माल बनाते हैं और अपने माल को बनाकर आप किसी एक स्थान पर बेच देते हैं या किसी एक जगह बेच देते हैं, ऐसे नहीं बिकेगा। आपको माल बेचने के लिए संपर्क करने होंगे, मार्केट में दुकानदारों से संपर्क करने होंगे। जहां जहां आपका माल बिक सकता है, केवल दुकानदार नहीं, वो
दुकानदारों पर बेच सकता है, वो ढाबों पर बेच सकता है, वो घर घर जाकर बेच सकता है, वो ऑनलाइन बेच सकता है, वो वहां कहां बेच सकता है, जहां जहां बेच सकता है वहां वहां आपको संपर्क करना होगा, वहां वहां आपको बताना होगा कि आपका माल कैसे बिक सकता है। प्रोडक्ट हमारे पास है एक साबुन और एक हल्दी। इस साबुन और इस हल्दी के पैकेट पर आप देख सकते हैं कि इस साबुन पर नाम लिखा हुआ है विदुर, हल्दी के इस पैकेट पर नाम लिखा हुआ है विदुर। यही करना है, आप जो झाड़ू बनाते हैं उस पर भी यही लिखिए, एक ही रंग की पट्टी लगाइए और कोशिश कीजिए कि विदुर किस तरह से उस पर लिखा जाए। इसको कहा जाता है ब्रांडिंग। ये बहुत सुंदर प्रयास है। क्या नाम? ज्योति जी के लिए जोर से तालियां बजाएं। ये किसका प्रोडक्ट है? क्या नाम है आप? जूली देवी के लिए भी तालियां बजाएं। बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर उदाहरण है ब्रांडिंग का। ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शीशी में इसको तैयार किया और इसके ऊपर लिखा विदुर। आप तैयार करते हैं सर? क्या नाम है? सर ये भी ऑर्गेनिक खाती है। अरे बहुत सुंदर, ये हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए ये कैचअप, एक होता फिजिकल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं फिजिकल। ये वो प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हैं। आप मार्केट में अगर बेचने जाएंगे तो आप हल्दी बेचने जा रहे हैं, आप कैचअप बेचने जा रहे हैं, आप साबुन बेचने जा रहे हैं। पैकेट तो इसके साथ एडिशनल है, पैकेट नहीं बेच रहे हैं आप, पैकेट नहीं बेच रहे हैं आप, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, क्या ये संभव है कि आपसे कोई कैचअप खरीदने आए और आप उससे कहें कि भैया अपना बर्तन ले जाओ और उसमें कैचअप ले जाओ? क्या संभव है आपका कोई हल्दी खरीदना आता है, भैया सामान अपना अपना एक बर्तन ले आओ हल्दी बर्तन? नहीं होता, समझो, संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक होता है हल्दी का, एक होती है उसकी पैकेजिंग। तो हल्दी वाला आप मुझे फिर से दिखा। देखिए एक फिजिकल प्रोडक्ट जिसमें यह हल्दी, तो आप बेच रहे हैं हल्दी, लेकिन एक इसका पैकेट, आपने इसे एक पैकेट में बंद किया, ये कहलाता है पैकेजिंग। ये पैकेट 100 ग्राम का बनाने के लिए साइज अलग हो जाएगा, 500 ग्राम का बनाने के लिए साइज अलग हो जाएगा, 10 रुपए का जो आपने पैकेट तैयार किया वो अलग हो जाएगा, सबके साइज अलग अलग हो जाएंगे, पैकेजिंग के साइज अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो माल बिक रहा है वो हल्दी है, सबके अंदर हल्दी एक सी है। और तीसरी चीज जो इसके साथ आती है, इसको कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग होता है इसके साथ में आपने जो कागज लगाया और इस पर आपने लिखकर ये जानकारी दी, इसको कहते हैं लेबलिंग। मार्केट की दुनिया में इसमें आपने क्या क्या जानकारी दी? इसमें आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हल्दी। इस पर आपने अपने ब्रांड का नाम लिखा, ब्रांड का नाम है विदुर। इस पर आपने पैकेट का साइज लिखा, ये पैकेट 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, 500 ग्राम का, उसका साइज लिखा। इस पैकेट पर आपने लिखी इस हल्दी के बारे में बाकी जानकारी, ये कहलाता है लेबलिंग। तो एक होता है प्रोडक्ट जो कि हल्दी है, एक होता है पैकेजिंग जो इसका पैकेट है, और एक होता है लेबलिंग जो इसके ऊपर जानकारी लिखी हुई है। ये जानकारी सारे प्रोडक्ट्स को होती है, चाहे आप हल्दी बेच रहे हैं, देखिए इनके पास दूसरा एक लाल मिर्च का पैकेट है, तो इसके अंदर जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो है लाल मिर्च। तो लाल मिर्च के पैकेट में मैं वो देखना चाहूंगा, दिखाई देना हल्दी वाला। अभी मैं आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स लाया था, तो मैं तो ये पूछने के लिए आया था कि शायद आप लोग ब्रांडिंग को ना समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझे ज्यादा चाहूंगा दिया, ऐसे ऐसे ब्रांड दिखाए कि इसे तो पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। घर में बना के बाया हूँ, पूछ लेता हूँ कि आप इसमें ये रंग देकर या कुछ भी देकर आप दूसरा बता सकते हैं कि किस चीज का प्रचार है ये? क्या है? निशानी के लिए जोर से तालियां बजाइए। इकोनॉमिक टैगलाइन लिखी है, मैडम पंचरत्न आटा तैयार करती है, पंचरत्न का अर्थात शहर के पांच तरह के अनाज रहते हैं, आटा तैयार करती है। गेहूं रहित आटा है, उसमें गेहूं नहीं है, और जैसे जो हमारे बीमार लोग हैं वो गेहूं खा रहे थे, लोगों को दिक्कत है जी। अब आने वाले समय में लोग गेहूं खाना कम पसंद कर रहे हैं जी। तो गेहूं हटा के और आटा तैयार किया गया है जी। एक केजी में उसकी मात्रा रखी गई है 300 ग्राम। मैडम ये सबको आप बोल सकते हैं? 300 ग्राम उसमें जो है, एक किलो के पैकेट में 300 ग्राम जो है, 100 ग्राम चना है, 200 ग्राम रागी है, 200 ग्राम उसमें बाजरे का आटा है, और 200 ग्राम ज्वार है। और जिसे आप सुबह खाइए घी लगा के, और दोपहर बाद तक भूख नहीं लगेगी, इसकी बहुत खासियत है। नई पैकेजिंग इसकी आएगी, और मैडम ने
न केवल एक पंचरत्न आटा तैयार कर लिया जो गेहूं से रहित है, आप नहीं समझ रहे हैं ये कितना बड़ा प्रयास है। भारत सरकार ने जो पिछला वर्ष हमारा 2023 गया है, इस 2023 को मिलेट्स ईयर के लिए किया था। भारत सरकार ये चाहती है गेहूं के अलावा दूसरे अनाजों का प्रोडक्शन बढ़े। हम ये काम करेंगे, उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन मैंने फिर उससे कहा, दो तीन बार उससे कहा तो उन्होंने कह दिया सब चलेगा। और जब मैं वहाँ पर सामान लेकर गई, अपने पिताज में साथ ले गई, तो हमारा सामान बिकना शुरू हो गया। दस किश्तों लगाते ही तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, दोपहर बाद ठीक माल का क्या हो रहा है, मैंने कहा हमारा तो आग खरीद गया। तो इसके बाद वो भी आ गए थे, तब से वो मेरा साथ ले गया। खरीदार और विक्रेता इनके बीच में जो भी लेनदेन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सेलिंग। क्या आप हमारा प्रोडक्ट इतना कैसा था? मैडम मार्केट में कैंडल्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरे दुकान में सामान तो रखते हुआ बिकता नहीं, कस्टमर मांगता ही नहीं, तो मैं पैसा प्रयोग करके क्या करूँगा? नहीं मैडम, मेरे पास तो बहुत सारे सामान पड़े हुए, मेरा पैसा तो वैसे ही ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैं परचेज करके क्या करूँगा? पहले वो बिक जाए फिर मैं देखूंगा अगले का। इसमें क्या अलग है? प्रेजेंटेशन किया
किया अपना विषय साहब ने, इतने बढ़िया तरीके से एक्टिविटीज भी कराया, महिलाओं कैसे सेल्स करना है उनको एक्टिविटी के माध्यम से उनको बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो सेशन हुआ है काफी महिलाओं ने बहुत कुछ सीखे हैं, और यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं ऑलरेडी एक्टिव सिलेक्टेड अच्छे महिलाओं में से हैं, तो उम्मीद है कि आगे का जो हम लोग सेशन रखेंगे आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हम लोग के बीच में प्रवीण जी है, तो एक स्टार्टअप है स्किलिंग यू, आप लोग इंटरनेट में देख सकते हैं स्किलिंग यू। स्किलिंग यू मतलब आपके जो बच्चों में गांव-गांव के बच्चे में अगर कोई स्किल चाहते हैं, कोई कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कोई इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश या कोई अकाउंटिंग के बारे में, इस टाइप का छोटा छोटा कोर्स ये एंड्रॉइड स्टार्टअप है, इसके माध्यम से लेते हैं, उनके सीईओ है। तो आपको कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आपके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना है, बेचना है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप जहां पे शहद पाल रही हैं वहां जाइए, अपना फोन ऑन कर लीजिए, वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, और पहले उस मधुमक्खियों की फोटो खींच लीजिए या फिर वीडियो बना लीजिए। साथियों देखिए, यहाँ पर हम लोग प्योर ऑर्गेनिक शहद उगाते हैं या बनाते हैं, राइट। ये मधुमक्खियां हैं जो बेस्ट क्वालिटी की मधुमक्खियां, उस पर वहां से कैमरा उठाइए, यहां से फूलों से ये मधुमक्खियां रस लेके आती हैं और यहां पर बैठती हैं ऐसे, राइट। उसके बाद आप चाहे तो अपना कैमरा भी लगा सकते हैं, उसके बाद शहद निकलता है। आप किस बर्तन में शहद निकाल रही होंगी उसको दिखाइए जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद दिखाइए कि इसको साफ किया जाता है, साफ करने के बाद इस तरह से बर्तन में रखा जाता है, और उसके बाद पैकेजिंग का दिखाइए, उसके बाद इस तरह से पैकेज हुआ जाता है जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक की तरह है। और ये सारा हो जाएगा आपका 30 मिनट से लेकर 180 सेकंड के बीच में, सॉरी सेकंड की बात, 60 सेकंड से लेकर 180 सेकंड के मामले में, राइट। और आप उसको डाल दीजिए कहां पर, इंस्टाग्राम के रील्स पे, शहर वालों की यही सबसे पहचान काम करती है, अगर वो मधुमक्खी देख लेना उसको पक्का लगेगा कि इसमें सही है। आप दीदियों में से किसी एक दीदी का होगा, किसका ये आपका है, बाकी लोग अगर अपने आसपास दुकानों पे जाकर बोलेंगे भैया वो बिदुर वाला आया है क्या, बड़ा अच्छा था अभी कहीं मिला था, तो दुकानदार के पास तो नहीं, क्या बोलेगा नहीं है, वो कुछ दूसरा देने की कोशिश कर, किसान लेके जाओ, बोलो तो हमारे पति किसान है, वो नहीं चाहिए साहब, तीन दिन बाद दोबारा से बजा रहे, वो पितुर वाला कहते हैं क्या हुआ, हमारे बड़ा अच्छा बच्चे वही मांग रहे हैं भैया, अरे वो ले गए तो खा नहीं रहा है, लौटा दे क्या वाला, आप ले लोगे तो खुला तो है लेकिन। अगर ऐसे ही लोग चार चार, आप सभी लोगों के पास चार चार फ्रेंड्स तो होंगी आप लोगों की, ज्यादा है हाँ, मतलब ऐसी कोई भी दो जिनके साथ आप खुशी खुशी बातें करती हैं, राइट, चाहे जिस तरह की बातें होती हो, सबको लगा दीजिए काम में। लिंगन पापड़ का उदाहरण हो, अमूल का उदाहरण हो, इस तरह के बहुत सारे कंपनियां हैं जो छोटे स्केल पे ही शुरुआत हुई थी। आप किसी भी कंपनी का देखेंगे, जैसे KFC का आप लोग पढ़ते हैं केंटकी फ्राइड चिकन, जो मतलब चिकन को फ्राई करके बेचते हैं, अगर उनका भी देखें तो उन्होंने भी एक शॉप से चालू किया था, अमेरिका में एक दुकान से उसको चालू किया था, और वो भी 2-3 साल तक लॉस में थे, तब जाके वो प्रॉफिटेबल हुआ, और फिर हम आज आप देखते हैं कि KFC पूरे दुनिया में हर जगह है, हमें अब आगे काम करता है। जो भी हम लोग से प्रयास है वो सब हम लोग इस तरह के ट्रेनिंग सेशन, और भी जो आपको रिक्वायरमेंट होंगे, चाहे PMEGP जो हमारी योजना है उसके तहत लोन की बात हो, स्टार्टअप इंडिया के तहत जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, इन सभी योजनाओं से हम लोग आपको जोड़ेंगे और आपको मदद देंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आपको इसमें ओनरशिप लेना पड़ेगा, आपको इसमें ओनरशिप लेना होगा, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, आपको इसको आगे लेके जाना है, ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, और इसके लिए जो भी करना है, इसको आगे पहुंचाने के लिए जो भी करना है वो हमें करना होगा, ये हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, तभी हम इस उत्पाद को, इस प्रोडक्ट को उस लेवल तक हम लोग ले जा पाएंगे। ये मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा। बाकी जो जो आज के एक्शन पॉइंट निकल के आए हैं उसमें हम लोग विस्तार से भविष्य में उस पर चर्चा भी करेंगे और उस पर हम लोग कार्रवाई भी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग इस काम में लगे रहिए, इसमें हार नहीं मानना है, हम लोगों को निराश नहीं होना है, हम लोगों को आशावान रहना है और इसमें आगे बढ़ते रहना, इसमें अच्छा पोटेंशियल है और आगे चल के बहुत इसमें नाम होगा, आप लोगों का बहुत नाम होगा,
बहुत आप लोगों का इनकम बढ़ेगा और बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी। ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि हम लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो हम लोग इसको एक अच्छे मुकाम तक इसको पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ करने के लिए। थैंक यू।